हे गाइस, दिस इज सोनम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज वीकेंड वाला दिन है और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, मतलब हाई स्ट्रीट, कुछ ग्रोसरी लेना और कुछ और भी सामान लेना है और वो बिल्कुल पास में है यहाँ से। तो हम सोच रहे हैं कि आज आपको हम इस वीडियो में जो हैरू का जो हाई स्ट्रीट है ना, वो आपको दिखाएंगे कि हमारा हाई स्ट्रीट यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का हाई स्ट्रीट कैसा है। और ये बिल्कुल पास में है, ज्यादा दूर नहीं है। और अगर वेदर की बात करें ना, तो आज सुबह से कुछ कहाँ नहीं जा सकते क्योंकि सुबह में धूप था। फिर अभी ना मौसम थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, मतलब आप देख रहे होंगे बाहर में सनी नहीं है, वेदर ठंड है थोड़ी थोड़ी। तो चलिए अभी निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं हैरो का हाई स्ट्रीट। हे गाइस, तो अभी हम हाई स्ट्रीट के लिए निकल गए हैं और ये रहा घर। और बस यहाँ से पाँच मिनट ले लीजिए, बस 5 मिनट्स वॉकिंग है और यहाँ पे बस हम पहुँचने वाले हैं, सामने स्टेशन है। तो गाइस, ये है बस स्टॉप और ये है ट्यूब स्टेशन, उसका एंट्री उधर से है। और ये आपको सामने लिडिल दिख रहा है। तो गाइज, ये देखिए हैरो ऑन द हिल स्टेशन है और इसके जस्ट अपोजिट में ये मॉल है, सेंटेंस मॉल, इसके अंदर प्राइमार्क, बहुत सारे शॉप है। तो चलिए अंदर आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर में क्या क्या है। और इधर बाबू के कारण ना हमें इस साइड से जाना होता है क्योंकि स्ट्रॉलर ले जाने के लिए यही एक रास्ता है। उस साइड से स्टेयर्स है तो स्टेयर्स से आने में दिक्कत होती है। और ये देखिए, ये है सेंटेंस मॉल और इसके अंदर ये है लिडिल, सामने है प्राइमार्क, इधर बूट्स फार्मेसी शॉप है। और हमें कहाँ जाना है, हमें शू देखने जाना है एक्चुअली। ये देखिए, ये शॉप है स्पोर्ट्स डायरेक्ट का, तो हमें इसके अंदर जाना है और देखते हैं शू लेना मिलता है या नहीं मिलता है आज। तो गाइस, ये शू अगर प्राइस की बात करें ना, तो ये देखिए 80 पाउंड, मतलब कि ये 8,000 की ये शू है। ये भी 80 पाउंड, मतलब ये सारे ऑलमोस्ट 80-90 पाउंड के ही हैं सारे। ये देखिए, ये 90 पाउंड। और ट्रैक सूट वगैरह भी है, जैकेट वगैरह भी है इस साइड में। और ये यहाँ पे अपना शू देख रहे हैं, ये रहा बाबू, अभी ये पूरे सोने के मूड में लगता है, सोएगा ये। यहाँ पे शू ट्राई कर रहे हैं क्योंकि नंबर का बहुत पंगा होता है तो इसलिए। और गाइस, यहाँ पे ये देखिए बच्चों का भी कितना प्यारा प्यारा शू है ना, और छोटा छोटा क्यूट किड्स का। और रेट देखिए, अगर रेट की बात करें तो ये देखिए एडिडास का, ये है 28 पाउंड का, मतलब 2,800 अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो। ये देखिए 17 पाउंड, मतलब 1,700। तो यही सब यहाँ पे प्राइस है, ऑलमोस्ट 20 पाउंड, 25 पाउंड, सब 2,000 से ऊपर का ही है सारे। और लेकिन बहुत सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है ये सारे शू। हम लोग बाबू के लिए देख रहे हैं, बट देखते हैं। तो ये बाबू का शू ट्राई कर रहे हैं, अगर साइज का हुआ तो ले लेंगे क्योंकि ये कम्फर्टेबल, ये चलता ज़्यादा है ना, तो इसके लिए थोड़ा कम्फर्टेबल शू चाहिए। तो गाइस, पे ईयर फाइनली यहाँ पे पेमेंट हो रहा है और हमने बाबू के लिए भी शू डिसाइड कर लिया है। और ये देखिए, ये शॉप ना बहुत बड़ा है, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है जिसमें कि स्पोर्ट्स का बॉल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो गाइस, ये देखिए बूट्स फार्मेसी, यहाँ पे ना मेडिसिन वगैरह मिलते हैं। और ये है सेंटेंस मॉल और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉलैंड बैरेट आगे, शैम्पू वगैरह लेना है। और ऊपर देखिए, ऊपर वाले फ्लोर पे ना यहाँ पे बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। और ये देखिए प्राइमार्क है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये भी एक ब्रांड है यहाँ का जिसमें कपड़े वगैरह मिलता है। और यहाँ पे भी शू की ये शॉप है। और ये देखिए, ये होम स्टोर, यहीं से मेरा फ़ोन चोरी हुआ था इसके कारण इस शॉप के अंदर जाने का मन नहीं होता मेरा। ये देखिए यहाँ पे, ये हॉलैंड बैरेट, ये भी एक ब्रांड है अगर बोले तो। इसके अंदर ना हर्बल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हम लोग शैम्पू वगैरह हम लोग यहीं से ले जाते हैं, तो अभी तो वही लेने आए हैं। और ये मिल गया, ये हाँ मिल गया, दो शैम्पू एक कंडीशनर। ऑफर चल रहा है क्या? नहीं। कैसे, तीन लेने पे दो? नहीं नहीं, हाँ दो का ही पैसा देना है। ओ तो गाइज, अभी इस पे ऑफर चल रहा है, अगर आप तीन लेते हैं ना तो आपको दो का पैसा पे करना है और एक आपको फ्री में भी लेना है। तो हम लोग अभी ले लिए कंडीशनर और शैम्पू। शॉप में आपको हर्बल्स, ऑर्गेनिक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं।
यहाँ पे वाइटमिन्स के टैबलेट, बेबी का जो है चिल्ड्रंस हेल्थ, ये सारी चीज़ें वाइटमिन बच्चों लोग का, फिर बाथ एंड शावर शैम्पू वगैरह बच्चों लोगों का भी, और उधर सीरम वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और ये देखिए यहाँ पे इसका यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, हम लोग ले लिए सामान। और ये देखिए सामने वहाँ पे परफ्यूम शॉप है। और अभी वेदर ना अचानक से बहुत अच्छा हो गया है। और ये रहा सेंटेंस मॉल, ऊपर बर्गर किंग है ये देखिए। और अभी हम लोग इस साइड जाएंगे क्योंकि और भी आगे कुछ काम है, और आपको हम हाई स्ट्रीट भी दिखाएंगे। तो गाइज ये रहा हैरो का हाई स्ट्रीट, और ये सामने देखिए नेक्स्ट है। अभी हम लोग को इसमें कुछ काम है। और ये देखिए यहाँ पे गुब्बारे, सब कुछ आपको हम दिखाएंगे आगे चल के भी। पहले इधर फटाफट काम कर लेते हैं क्योंकि संडे है ना, तो संडे को 4 o'clock में सारा शॉप क्लोज हो जाएगा इसके कारण। देखिए यहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन का सेक्शन है, उधर किड का है और इधर वुमेन का है, और अप स्टेयर ऊपर में जेंट्स का है। गाइस ये देखिए यहाँ, ये इधर ये चिल्ड्रन का है, और एक बार वो भी दिखाई देते हैं आपको। और ये सारे यहाँ पे परफ्यूम भी मिलता है। और ये देखिए बच्चे का, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे का पूरा सेक्शन है। ये भी बहुत बड़ा शॉप है। और ये देखिए प्राइस की बात करें तो ये देखिए 14 pounds में ये, बट इसका ना क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और बहुत ही क्यूट क्यूट ड्रेस है। ये देखिए 9 pounds का ये छोटा सा, ये जो आता है ना अंदर पहनने वाला, वो है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। गाइज यहाँ पे ना एक्चुअली हम जीन्स लेने आए थे, बट यहाँ पे हमने ट्राई भी किया, बट क्या है ना कि साइज ही यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं किसी और शॉप में चल के देखते हैं, नहीं तो फिर बाद में आना पड़ेगा। यहाँ साइज़ का बहुत पंगा होता है, बट जीन्स की ना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग जीन्स तो यहीं से ले जाते हैं स्पेशली। ये देखिए गाइज यहाँ पे देखिए एसेसरीज भी मिलते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो ये देखिए 8 pounds का है, मतलब 800 rupees का। ये देखिए 20 pounds, मतलब 2000 rupees का। और ये यहाँ पे पर्स का सेक्शन है, पर्स का। अगर इसके भी प्राइस की बात करें तो ये देखिए 32 pounds, मतलब कि ये 3200 rupees का है। ये देखिए इसकी बात करें तो 26 pounds, मतलब 2600 rupees का ये है। तो गाइज अभी हम फाइनली शॉप से बाहर जा रहे हैं, हमारा जींस तो मिला नहीं। तो गाइज ये देखिए, ये सामने मार्क्स एंड स्पेंसर्स MNS, और इधर आज वीकेंड है तो देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और वेदर भी अभी अच्छा है तो यहाँ पे लोग बैठते भी है। और ये देखिए आइसक्रीम, ये स्टॉल ये लोग लगाते हैं, स्पेशली वीकेंड में लगाते हैं, डेली आपको नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें। और वहाँ पे वो शोरमा रोल वो जो बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी रहता है। ये देखिए सैम पाउंड है, मतलब यहाँ पे 1 pound में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये देखिए गाइज ये भी शॉप बहुत बड़ा है, यहाँ पे 1 pound का बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जो कि डिटेल्स में हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। तो गाइज अभी हम लोग इस शॉप से बाहर आ गए हैं, जो जो सामान लेना था। और ये देखिए इसके सामने ही ना, ये देखिए बच्चों लोगों का झूला लगा हुआ है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और इसका प्राइस देखिए है 2.50, मतलब 250 pounds, 250 अगर इंडिया से कंपेयर करें तो। ये बच्चे लोगों के लिए एक्टिविटी यहाँ पे रहती है, हर सैटरडे संडे यहाँ पे ये लोग लगाते हैं, डेली नहीं रहता है, और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि वेदर अच्छा रहता है ना, तो यहाँ पे बैठने पे बहुत अच्छा लगता है और टाइम भी पास हो जाता है। तो गाइज ये हमारा हैरो टाउन सेंटर का ये गेट, और यहाँ पे देखिए बैठने के लिए इस तरीके का बना हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे रहते हैं। और ये हाई स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट यहाँ पे है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं, आज वीकेंड है तो वीकेंड में कुछ ज़्यादा ही लोग मिलते हैं देखने के लिए, शॉपिंग के पर्पज़ से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और गाइज ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी सब्जियाँ मिलती है, फ्रूट सब्जी ना, इस तरीके से भी 1 pound का यहाँ पे मिलता है, तो सारे लोग ले रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऑफर लगा है, जैसे कि ये 5 pound में ये दो दे रहे हैं, इस टाइप का कुछ ऑफर है, तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और गाइज ये देखिए पूरे स्ट्रीट पे ना इस तरीके से बैठने के लिए बेंचेस लगाए रहते हैं, लोग यहाँ पे बैठकर खाते पीते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। तो गाइज अभी हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, और अभी जा रहे हैं मेन ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि जैसा हम बताए ना 4 o'clock ना सारा शॉप बंद हो जाएगा, और ऑलमोस्ट अभी 3:30 हो गए हैं। तो अभी सबसे पहले जा रहे हैं ग्रॉसरी लेने के लिए, और फिर ग्रॉसरी लेने के बाद हम आपको और भी स्ट्रीट दिखाते हैं। और गाइज ये देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए गुब्बारा, और वो उधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पहले हम जा रहे हैं अभी ग्रॉसरी लेने। तो ग्रॉसरी लेने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं।
तो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं ये लिडिल, यहाँ से हमें मेन पानी और ग्रॉसरी आइटम कुछ कुछ लेना है जैसे सब्जियाँ वगैरह, तो चलिए पहले ले लेते हैं। यहाँ पे ये फिलहाल ये ग्रॉसरी खरीदा गया है और अभी इसको अरेंज करने के चक्कर में है, अब इसमें फटाफट रख करके और फिर निकलेंगे। हे गाइस, तो अभी हमारा शॉपिंग डन हो गया है और अभी हम आपको इस थोड़ा सा स्ट्रीट और दिखाएंगे। और वीकेंड में एक्चुअली ऐसे ही हम लोग का भाग दौड़ पूरा निकलता है, एक दिन तो ऐसे ही निकलता है, बहुत सारे काम रहते हैं, तो हम एक्चुअली बहुत सारा काम था आज का तो उतना हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन कोशिश की है थोड़ा थोड़ा दिखाने का। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा और चलिए अभी ब्लॉग में बने रहिए। और गाइज ये देखिए, ये बच्चों के लिए ना यहाँ पे सॉफ्ट प्ले बना हुआ है और यहाँ पे ये लोग जंप करने वाला है जो बहुत सॉफ्ट होता है, तो बच्चे यहाँ पे जंप कर रहे हैं। सबका टिकट होता है, वहाँ पे बैठे हैं ना भैया, वहाँ पे आप टिकट कट करवा के बच्चों को यहाँ पे आप भेज सकते हैं खेलने के लिए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप कहीं मार्केट में नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। और इधर और आपको दिखाते हैं, सामने देखिए जेडी का शोरूम है। और अगेन अभी वेदर बहुत अच्छा है तो अभी काफ़ी लोग बाहर ही है, और सामने टॉय ट्रेन और जंपिंग वो सब भी लगी हुई है। गाइस ये भी देखिए बच्चों के लिए, देखिए टॉय ट्रेन है, आप पास में लेकर के बच्चों को बैठ करके, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो खुद भी बैठ सकते हैं। और इसकी टिकट देखिए 2.5 मतलब 2,250 इसका फेयर है। और यहाँ पे ये थोड़ी देर मतलब राइड करवाते हैं और बच्चे इंजॉय करते हैं। ये देखिए प्ले एरिया, यहाँ पे बच्चे जो है ना जंपिंग कर रहे हैं। और इसका भी कुछ फेयर होता है, आई थिंक कहीं लिखा, हाँ 4.50, मतलब कि ये 450 में ना आप ये कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है ना, देखिए, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चों के लिए भी नहीं है, थोड़े बड़े बच्चों के लिए। हर वीकेंड में एक्चुअली ये रहता है, सैटरडे संडे ना ये लोग यहाँ पे लगाते हैं तो बच्चे आकर के काफी इंजॉय करते हैं। और गाइज ये लास्ट सेंट जॉर्ज जो है, ये जो मॉल है ये भी हाई स्ट्रीट में ही है और इसके अंदर भी ये काफी बड़ा मॉल है, इसके बहुत सारे चीजें हैं। और बाबू यहाँ पे रो रहा है तो अभी हम लोग घर ही जा रहे हैं। और ये देखिए ये सेंट जॉर्ज मॉल है, इसके अंदर बिल्कुल बहुत सारे शॉप है। ये देखिए H&M है, यहाँ पे आईब्रो बनता है। देखिए ये गिफ्ट शॉप है, ये 30 pound का, वो देखिए एनिवर्सरी के लिए आप ये ले सकते हैं, ये 30 pound का ये है, मतलब 3,000, थोड़ा कॉस्टली लग रहा है 20 pound का, बट बहुत ही प्यारा है। और गाइस ये देखिए यहाँ पे नंदूज और ऊपर में टीके मैक्स और ये ढोलकी, ये ना रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खुला हुआ है, मतलब कि सीन वाइज अगर आप देखें ना तो अंदर से बहुत ही प्यारा है। हम लोग एक दिन प्लान करेंगे अंदर जाने का, फिर आपको अंदर से और अच्छे से दिखाएंगे। पूरा मॉल का ये व्यू, ये देखिए पूरा ऊपर 4th floor तक है, लेकिन अभी हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक गए हैं और अभी घर जाने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ भी ये देखिए ये केक यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे भी चाट समोसे ये सब मिलता है, और यहाँ पे ये बच्चों को खेलने के लिए सामने में ये सैलून है। और ये रहा गेट और अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। हे गाइस, तो अभी हमारा पूरा शॉपिंग हो गया है और हम आपको कोशिश किए हैं हैरो का हाई स्ट्रीट दिखाने का, आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। और हमने कोशिश की है ना सब कुछ कवर करने की, और हमारा आज वीकेंड है ना तो बहुत सारा काम भी था, तो हम बहुत सारे शॉप के अंदर गए हैं, लेकिन वो सब कुछ आपको नहीं दिखा है, कुछ कुछ कोशिश की आपको दिखाने का। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आप कुछ अगर आप स्पेशल देखना चाहते हो ना किसी एक शॉप का, अगर आप पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा, हम डेफिनेटली उस पर हम ब्लॉग बनाएंगे। और ये हमारा घर आ गया है, अभी घर जा रहे हैं, तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाकर के फॉलो कीजिए। मेरा आईडी सोनम स्वराज 95 एंड बाबू का आईडी आई एम शौर्य पांडे। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।